नमस्कार मित्रों, रतन एस्ट्रोवर्ल्ड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में ग्रहण दोष की। तो कुंडली में दो प्रकार के ग्रहण दोष होते हैं मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपको वो बताया था चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण दोष जब हो तो वो कैसे बनता है। उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण दोष की, कि सूर्य से ग्रहण दोष हमारी कुंडली में कैसे बनता है। तो सूर्य और राहु अथवा सूर्य और केतु जब एक साथ एक भाव में युति बनाते हैं तब बनता है कुंडली में ग्रहण दोष। तो ग्रहण दोष कोई घबराने की बात नहीं है मित्रों। तो जैसा मैंने बताया था कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि यदि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है, ये एक प्रकार की बाधा है मित्रों, एक प्रकार की हर्डल है जिसको आपको कूद कर जीवन में आगे निकल जाना है, और जिसके लिए दोष ग्रहण दोष निवारण पूजा होती है जिसको आप करके इन ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्य, राहु और केतु, विशेषकर ये तीन ग्रह हैं देखिए जिनसे ये ग्रहण दोष बनता है। इसी प्रकार चंद्रमा, राहु और केतु के संग जब बैठ जाएंगे तो भी ग्रहण दोष बनता है। तो दो प्रकार के ये ग्रहण दोष हैं, तो जिनके लिए पूजा ही एकमात्र उपाय है। और कुछ उपाय और हैं जो ज्योतिषाचार्य आपकी कुंडली देख के बताते हैं। तो ग्रहण दोष जब बनता है मित्रों कुंडली में तो क्या होता है, देखिए अगर पहले भाव में बन रहा होगा ग्रहण दोष तो पहला भाव होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, तो आप स्वयं में आप क्या हैं। तो अगर ये ग्रहण दोष पहले भाव में बन रहा होगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर पहले भाव में लगन, तो ये आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई विकार पैदा करेगा। इसी प्रकार जब ये दो नंबर के भाव में सेकंड हाउस में बन रहा होगा ग्रहण दोष, तो सेकंड हाउस आपका इनकम का होता है, आपके आय का होता है, तो फिर ये ग्रहण दोष अगर यहाँ लग गया तो फिर आपको जितनी आप मेहनत करते हैं इनकम नहीं आएगी, आय आने में बाधा होती है, इनकम आने में आपको रुकावटें पैदा होंगी, हर्डल्स आएंगे। तीसरे भाव में ग्रहण दोष बन गया तो तीसरा भाव आपके भाई बहन यात्राएं, तो यात्राओं में आपको बाधाएं आएंगी, भाई बहनों के रिश्ते जो आपके हैं आपसी रिश्ते विद योर सिबलिंग्स जो होते हैं तो उनमें खटास आएगी, वहाँ ये परेशानी पैदा करेगा। चौथे भाव में बन गया तो माता के उसमें और आपका घर की जो शांति है हैप्पीनेस वहाँ पे थोड़ा विकार पैदा करेगा, कुछ वहाँ परेशानियाँ लाएगा। पांचवें भाव में बन गया प्रोजनी, तो बच्चा पैदा होने में जो ग्रहण लग गया तो या तो डिले होगा या उसमें परेशानी आएगी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सब इस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। छठे भाव में बन गया तो आपका लिटिगेशन है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं ये हैं, तो ग्रहण दोष लगा हुआ तो यहाँ कुछ खर्चे आपके बनाता जाएगा। सातवां भाव वैवाहिक जीवन, वहाँ ग्रहण दोष लग गया, वहाँ बन गया तो वैवाहिक जो आपके संबंध हैं कुछ वहाँ परेशानियाँ आएंगी। ये आयु का भाव है, आठवां स्थान आयु में ग्रहण लग गया। अब आयु स्थान तो सब भगवान के हाथ में है, लेकिन हाँ आपके जीवन में भी परेशानियाँ तो यहाँ पे भी आएंगी। तो इस प्रकार से ये जितने भी भाव हैं, चाहे नवे भाव में बैठे वहाँ पे अगर ग्रहण बन रहा है तो आपकी जो लक है किस्मत है वो आपका साथ नहीं देती है। दसवां भाव प्रोफेशन का आ गया, आपके करियर का, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप देखते हैं जो आपके साथ का सहभागी है उसका प्रमोशन हो गया या उसको कुछ फायदे हो रहे हैं और आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं परंतु आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है। ग्यारहवें भाव में बन गया तो आपके मित्र हैं, हाउस ऑफ गेंस है ये, तो मित्रों से कुछ खटास आ गई रिश्तों में या गेंस नहीं हो रहे हैं, वहाँ अटक रहा है आपका काम। और बारहवें भाव में हो गया खर्चे के भाव में, तो खर्चे बढ़ा रहा है। तो ग्रहण दोष कुल मिलाकर ये होता है जिस भी भाव में बनेगा उस भाव में वो अपना असर डालेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि ग्रहण दोष निवारण पूजा करवाई जाए, जिसमें सूर्य के होते हैं देखिए 7000 वैदिक मंत्र, राहु और केतु के 18-18000 वैदिक मंत्र हैं। तो अगर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है तो 7000 वो और 18000 ये मंत्र, और सूर्य केतु के संग बैठ गए तब भी 7000 उसके और केतु के 18000 वैदिक मंत्र, ये मिलाकर पंडित आपकी पूजा कराएंगे जिससे आपको कुछ लाभ होगा। सूर्य हमारी कुंडली में पिता होता है, सूर्य व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, सूर्य हमारी दाहिनी आंख यानी राइट आई, सूर्य हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन कुंडली में, और सूर्य सबसे बड़ी चीज होती है सरकार, सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य है सरकार सारा, आपको जो मान सम्मान और जो आप एक ऊंची पदवी पे बैठते हैं तो वहाँ सूर्य का बहुत प्रभाव होता है। आप IAS को देखते हैं, आप PCS को देखते हैं, जो बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं ऊंचे पदों पे आसीन हैं, उनका सूर्य बहुत बलवान होता है, सूर्य बहुत पावरफुल होता है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य को लग गया ग्रहण
तो समझ लीजिए सरकारी नौकरी बिल्कुल आनी मुश्किल है, बहुत इसमें परेशानी आएंगी। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिल जाए सरकारी नौकरी, या आप ऊंची पदवी या सरकार में ऊंचा पद हासिल करने का कोई कंपटीशन निकाल पाए, तो वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किलें आएंगी और आपको वो मनचाही नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि सूर्य को लग गया है ग्रहण, सूर्य की शक्ति हो गई है क्षीण, तो सूर्य अगर राहु के साथ बैठे हैं तो वहां पे एक ये भी बात होती है, इस बात को आप नोट कर लें कि सरकारी नौकरी मिलने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। अब यहां पर मैं एक बात और भी बार बार जो कहता हूं दोहराता हूं, व्यक्तिगत कुंडली देखना बहुत आवश्यकता उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि और जो ग्रह हैं और जो सितारे हैं देखिए जो आपके बैठे हैं, वो भी सरकारी नौकरी में सहायक होते हैं। इसमें ऊंचा पद आपको नहीं मिलेगा, हो सकता हो गवर्नमेंट जॉब कोई क्लर्कल आपको मिल जाए, या कोई और छोटी लो ग्रेड जॉब जो होती है वो आपको मिल जाए। तो और दूसरे क्या ट्राइन्स में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कौन से ग्रह हैं ट्राइनल साइंस में, तो ये सब और भी चीज़ें देखनी आवश्यकता होती है। लेकिन एक जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ, मूल बात, कि अगर सूर्य के साथ राहु बैठे हैं ग्रहण दोष है, तो सरकारी नौकरी के चांसेस 90% समझ लीजिए खत्म हो गए। आपको सरकारी नौकरी मिलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, मिल नहीं सकती। अब बात कर लेते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो उसके लिए कुछ व्यक्तिगत बातें क्या हो सकती हैं। देखिए जिनकी कुंडली में इस तरह से ग्रहण दोष बन रहा होता है, उनके पिता आप समझ लीजिए स्वभाव में ड्राई नेचर के होंगे, पिता ड्राई नेचर के होंगे, सूर्य के साथ राहु बैठा, वो किसी भी कुंडली किसी भाव में बैठा हो, पिता उनके ड्राई स्वभाव के होंगे, पिता से आपको सही समय पे कोऑपरेशन सहयोग नहीं मिलेगा, वो सही समय पे आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। आपको अगर व्यापार शुरू करना है या आपको कोई और उनसे आर्थिक मदद चाहिए, वो कर देंगे आपके लिए, भाग्य है आपको, आपको मिलेगा, लेकिन सही समय पे जैसे आज आपको ज़रूरत है, तो उस समय पिता वो आपके चाह कर भी मदद नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, इस प्रकार के लोगों में अक्सर ये देखा गया, ये भी एक जनरल बात बता रहा हूँ, कि जिनके सूर्य और राहु साथ होते हैं ग्रहण दोष बनता है, वो व्यक्ति लेट कर अधिक काम करते देंगे आपको। जैसे मान लीजिए कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो बैठ के नहीं पढ़ेंगे, लेट कर पढ़ते दिखेंगे, मोबाइल कर रहे हैं तो लेट के मोबाइल करेंगे, टीवी देखना है तो लेट के कर रहे हैं, या तो चलते फिरते रहेंगे, अथवा कोई अगर इस प्रकार का काम है तो वो हमेशा बंदा आपको लेटा वो दिखेगा, बिस्तर पर बैठ के काम करता दिखेगा। तो ये कुछ व्यक्तिगत बातें हैं। ग्रहण के बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि एक पाक में दो ग्रहण नहीं पड़ने चाहिए, अगर एक पाक में दो ग्रहण पड़ गए तो जैसे कहा जाता है एक पाक दो ग्रहणा राजा मरे या सेना, एक पाक में दो ग्रहण का पड़ना शुभ नहीं माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। ग्रहण दोष वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वह रोज प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य को तांबे के लोटे में लाल रंग की रोली डालकर उसको जल चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार एक माला जो होती है वो अवश्य पढ़ा करें। रविवार के दिन गेहूं आप दान कर सकते हैं, बहते पानी में एक मुट्ठी गेहूं ले जाएं लाल कपड़े में दबा करके और उसको किसी बहते जल में छोड़ दें, तो इन सब चीज़ों से भी आपको ग्रहण में इस दोष में कुछ लाभ मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी ग्रहण दोष की, सूर्य ग्रहण दोष की, जो मैंने आपके संग साझा की एक बहुत ही साधारण एक सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आम भाषा में, ताकि आप समझ सकें। आशा है मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।